हेलो एवरीवन, पिकी रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट एवं शेप यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां किस प्रकार से इंसर्ट करें और उनको किस प्रकार से हम डिज़ाइन और फॉर्मेट कर सकते हैं। हालांकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम गणितीय गणनाएं और विभिन्न प्रकार की डाटा एंट्री या अपने सांख्यिकी की जो भी डाटा है उनको रखने का और उनमें कैलकुलेशन करने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसे विभिन्न प्रकार की पिक्चर यानी फोटो यदि हमें इंसर्ट करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें इंसर्ट जो टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है इसके अंदर हमें यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट। इनके द्वारा हम अपने आवश्यकता अनुसार अपने वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारे पिक्चर हमें यहाँ वर्कशीट में लगानी है, अप्लाई करनी है, इंसर्ट करनी है, उसको वहाँ अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो सेव है वो फोल्डर खोल के और वहाँ से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इससे हम कोई भी फोटो है या इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। ये फ्रॉम इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और हम इस पर यहाँ जो भी पिक्चर हमें करनी है उस पर टिक करके यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है। जो पिक्चर इंसर्ट होती है उस पर आप देख सकते हो यहाँ 8 साइजिंग हैंडल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कॉर्नर पर आप जो गोल गोल बिंदु देख रहे हो एक ये साइजिंग हैंडल है, 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है और 2 यहाँ बीच में। इस प्रकार से 8 यहाँ पे साइजिंग होटल हैंडल होते हैं जिनकी सहायता से हम इमेज की जो साइज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम माउस की सहायता से ड्रैग भी कर सकते हैं। माउस का ड्रैग ऑप्शन आप जानते हो, इस पर क्लिक करके और जब हम इसको मूव करते हैं तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान इसको लगा सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर हम इसको लगाना चाहें वहाँ आसानी से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो फाइल सेव है, जो फोटो आपकी सेव है वहाँ उस फोल्डर में जाके आप फाइल को सिलेक्ट करें, फोटो को, और फिर यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो वो फोटो इस प्रकार से यहाँ इंसर्ट हो जाएगी और माउस की सहायता से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं और साइजिंग हैंडल की सहायता से उसका आकार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यानी फोटो जो भी है हमारी इंसर्ट करने के बाद अगला जो है उसको डिज़ाइन करना, यानी उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो जो ही हमें पिक्चर पे क्लिक है हमारा तो यहाँ आप देख सकते हो एक और मेन्यू ऑप्शन टैब जो ऑप्शन है टैब बटन फॉर्मेट नाम से एक ओपन हो जाता है। ये पहले नहीं होता है लेकिन जब भी जो ही हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट नाम से एक टैब बटन आ जाता है और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं अपने पिक्चर को फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ एडजस्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ ब्राइटनेस है, यहाँ हम पिक्चर की ब्राइटनेस कम में ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हो हम ब्राइटनेस को बहुत ही कम कर सकते हैं, यहाँ लाइट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको डार्क भी कर सकते हैं। तो जो ही हम कर्सर को ले जाते हैं अपने उस पॉइंट पर यहाँ 10% 20% यहाँ प्लस में और माइनस में दिए हुए हैं, जैसा भी हम चाहें वैसा इसको आसानी से ब्राइटनेस दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट में हम इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें लाइटिंग जो इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा रिकलर है, यदि हमें फोटो का कलर चेंज करना हो तो यहाँ आप देख सकते हो कलर मोड है अलग अलग और डार्क वेरिएंट्स में हमें चाहिए तो यहाँ पहले से डिफाइन है, इनको हम जिस भी कलर में हमें चाहिए वैसे कलर में ये हमारी पिक्चर हो जाती है। ये कलर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप फिर से इसको रिकलर में जाके और यहाँ नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो इमेज पहले जैसी वापस फिर से हो जाएगी। इसके अलावा कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन है, इसके द्वारा हम हमारी फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं और उसकी जो वीडियो क्वालिटी है ऑडियो की हमारी जो क्वालिटी होती है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज पिक्चर के द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये पिक्चर हमें अच्छी नहीं लगी दूसरी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर के द्वारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और हम दूसरी फोटो को सेलेक्ट करके वो इंसर्ट कर सकते हैं और रीसेट पिक्चर के द्वारा जैसे हमने इंसर्ट की थी वैसी की वैसी फिर से आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ रीसेट कर देता हूँ तो वो पहली स्थिति में जैसे थी, जैसे मैंने इंसर्ट की थी उसी स्थिति में आ चुकी है। तो यहाँ मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर देता हूँ फिर से। फिर आगे हम इसका ऑप्शन देते हैं पिक्चर की स्टाइल, जैसे पिक्चर इसके हम स्टाइल लगा सकते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार के ये पिक्चर की स्टाइल है उसको हम आप कह सकते हैं कि आप इसके बॉर्डर सेट है पहले से तो किस प्रकार से आपको अपनी पिक्चर को दिखाना है, किस प्रकार से आप लगा सकते हो
इसमें बहुत सारे प्री डिज़ाइन किए गए हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको सेलेक्ट कर सकते हो और पिक्चर का सेव उस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पिक्चर सेव भी ऑप्शन है, यहाँ भी आप जो इमेज आपकी इंसर्ट की है उसको किस आकार में आप लेना चाहते हो, स्क्वायर के रूप में, राउंड के रूप में, जो भी शेप आप लोगे उसी शेप में वो हो जाएगी। जैसे जैसे आप देख सकते हो ओवल में है, और फिलहाल जैसे मैं इसको ट्रायंगल में लेना चाहूँ तो ये ट्रायंगल में भी इसको ले सकता हूँ, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल के रूप में होगी। इसके अलावा इसमें जितनी भी शेप है, जिस भी शेप में आप इसको लेना चाहो उस शेप में आप इसको दे सकते हैं। ये देखो मैंने इसको स्टार के शेप में दे दी, तो अपनी पिक्चर को हम बहुत सारे शेप में दे सकते हैं। पिक्चर का जो बॉर्डर है चारों तरफ का, वो बॉर्डर का जो कलर है वो निर्धारित कर सकते हैं, कौन से कलर का हमें बॉर्डर चाहिए वो कलर यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, और उनकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन का कलर निर्धारित कर सकते हैं, वेट के द्वारा उसकी जो मोटाई है बॉर्डर की वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हम कितने भी कम कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पिक्चर इफेक्ट है, तो पिक्चर को हम प्री सेट इफेक्ट है, पहले से सेट है, आप इनमें से कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। 3D ऑप्शन है, इसके द्वारा भी हम इसको 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इसकी शेडो है, हमें छाया भाग आधा करना हो, रिफ्लेक्शन है, जैसे मैं यहाँ इसको ये करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन है, नीचे इसकी जो छाया है, एक जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ इसको दिखाई देगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इफेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये ग्लो है, तो इसमें पहले से वेरिएंट है इसके बहुत सारे, और जो भी हम इसको सेट करना चाहें वहाँ पर इसको हम सेट कर सकते हैं। आगे यहाँ ऑप्शन आएगा क्रॉप का, तो मैं अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, जिससे मुझे ये भाग इतना नहीं चाहिए, मैं यहाँ इसको क्रॉप कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा ये भाग ही बचा है, और उसके बाद हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये भाग स्थाई हो जाएगा, ये भाग आप देख सकते हो। तो हम पिक्चर को इस प्रकार से क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी पिक्चर का जो अनावश्यक भाग है जिसको हम हटाना चाहते हैं उसको हम हटा सकते हैं क्रॉप के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे हाइट है और विड्थ है, तो हाइट और विड्थ इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये इमेज की जो हाइट है ये बढ़ रही है, और यहाँ इसकी विड्थ है वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो पिक्चर है, फोटो है, उस पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए हमें केवल पिक्चर को क्लिक करना होगा, तो उस फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट टैब आ जाएगा, और फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके हम आसानी से अपने पिक्चर को कोई भी फॉर्मेट में आसानी से उसकी साइज़ है, क्रॉपिंग है, ब्राइटनेस है, कम या अधिक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये भी मेरी पहले वीडियो है, यहाँ थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी का, कि आप रैम की स्पीड है वो दुगनी कर सकते हो पेन ड्राइव की सहायता से, यानी आप पेन ड्राइव को एज ए रैम काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत सी ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी मैंने बताई हुई है, तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके इनको चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ पिक्चर के अलावा क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होता है, पिक्चर तो हमारे कंप्यूटर में कोई भी सेव है, या मोबाइल में कोई भी हमारी गैलरी में सेव है, हमारी स्टोरेज में जो भी पिक्चर सेव है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। और क्लिप आर्ट है, एक क्लिप आर्ट एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसी गैलरी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्वयं की गैलरी है, जिसमें बहुत सारी जो क्लिप है वो उपलब्ध होती है। तो हम यहाँ क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं, जो ही क्लिप आर्ट मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हो राइट साइड में क्लिप आर्ट नाम से एक ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ मैं गो पे यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जितने भी कलेक्शंस हैं यहाँ वो सारा कलेक्शन यहाँ आ चुका है। यदि आपको वो कलेक्शन वैसे चाहिए तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो नाम लिख के, जैसे आपको कंप्यूटर चाहिए या किसका डायग्राम चाहिए वो यहाँ सर्च कर सकते हो, यदि वो वहाँ होगा अपने कलेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कलेक्शन में जिसको कि क्लिप आर्ट कहते हैं, तो वो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ माउस से आप ड्रैग कर सकते हैं और इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं आप देख सकते हो वो क्लिप आर्ट है वो यहाँ सामने आपको प्रदर्शित हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो। और वहीं जो पिक्चर में हम करते हैं वो सारी क्रियाएं हम इस पर कर सकते हैं, माउस की सहायता से आसानी से ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ भी हम चाहे इसको लगा सकते हैं, साइजिंग हैंडल की सहायता से साइज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वो सारे जो भी मैंने अभी आपको बताए थे, यहाँ फॉर्मेट टैब आ जाता है क्लिक करते ही, और यहाँ इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वो सारे की सारी चीज़ें जो मैंने पिक्चर में आपको बताई थी वो सारा कार्य हम यहाँ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पिक्चर पे मैंने ऑपरेशंस बताए थे वो सभी क्लिप आर्ट पे भी लागू होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे क्लिप आर्ट हमारे पास मौजूद है, जो भी क्लिप आर्ट आप लगाना चाहो उस पर केवल आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही वो यहाँ वर्कशीट में ओपन यानी इंसर्ट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और आप जिस जगह पर जिस स्थान पर वर्कशीट में उसका प्रयोग करना चाहते हैं वहाँ माउस की सहायता से इसको ड्रैग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ क्लिप आर्ट के बाद शेप्स की, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, ये आप देख सकते हो हमारी जितनी भी आकृतियाँ हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ये सबसे पहले आप यहाँ ग्रुप बना हुआ है रिसेंटली यूज, जो हमने अभी अभी यूज में लिए वो यहाँ ऊपर इसका ग्रुप आ रहा है। इसके अलावा लाइंस आप देख रहे, विभिन्न प्रकार की लाइनें हैं, तो यहाँ जो भी लाइन आपको चाहिए एरो युक्त है, बिना एरो की है,
सिंगल साइड एरो है, डबल साइड एरो है, और इस प्रकार से मूव एरो, जो भी एरो आप काम में लेना चाहो उस एरो को यहाँ वर्कशीट पे लाके केवल आपको ड्रैग करना होगा और तो वो एरो आपको सामने यहाँ आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा इस देख सकते हो इसमें भी फॉर्मेट जो टैब है वो ओपन हो जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के शेप्स आपको दिखाई देगी। तो इसको यदि आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, या दूसरी शेप इंसर्ट करना चाहो वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिक शेप ले रहा हूँ ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल में यहाँ ड्रा कर सकता हूँ। जो भी शेप मैं यहाँ इस लिस्ट से लूँगा वो यहाँ आसानी से मैं यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे हमारे पास है, आप देख सकते हो बेसिक शेप में ट्रायंगल है और ये कोष्टक है, ब्रैकेट्स हैं, ब्लॉक एरो है, जो इस प्रकार से ब्लॉक एरो होते हैं कि जो जाने का मार्ग दिखाते हैं, इस प्रकार से आप देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के एरो है और इक्वेशंस की शेप है, प्लस माइनस गुणा भाग बराबर बराबर नहीं, ये सब शेप है, इनका भी हम यहाँ चिन्ह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं यदि हमें कोई साइन लगाना हो। तो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। स्टार्स और बैनर्स है और यहाँ क्लाउड्स है बहुत सारे, इनका भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ उनको हम यहाँ आसानी से ड्रा कर सकते हैं और इसके ऊपर भी वही ऑप्शन लागू होंगे। यहाँ फॉर्मेट है आपको दिखाई देगा और यदि हम इनको बदलना चाहें शेप को तो यहाँ बदल सकते हैं। और यहाँ शेप की जो स्टाइल है वो जो मैंने आपको बताई थी, स्टाइल में इनको प्री डिफिल्ड है, इनका जो टेक्स्ट कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है वो आप आसानी से देख सकते हो, प्री फिल्ड है। जो भी आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे कलर का ये आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये इस कलर में हो चुका है और इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहूँ वो टेक्स्ट में इसमें लिख सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये वाइट कलर में क्यों दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया यहाँ प्री डिफाइंड शेप्स हैं। जैसे आप देख रहे हो ये ऑरेंज है और इसके अंदर वाइट में लिखा हुआ तो ऐसा भी दिखाई देगा, ये रेड में हमें वाइट दिखाई दे रहा है और यहाँ रेड में हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लैक में वाइट दिखाई दे रहा है। तो जैसा भी आपको चाहिए तो प्री डिफाइंड है यहाँ और आप आसानी से इसका कलर और ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शेप फिल, फिल इस शेप के अंदर आप कोई भी कलर फिल सकते हो, कलर को चेंज करना चाहो तो वो कलर भी आप इसको चेंज कर सकते हो। और मोर फिल कलर में जाके अपनी तरफ से कस्टम कलर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो पिक्चर पर यहाँ क्लिक कर देंगे तो इस शेप के अंदर वो पिक्चर है वो फिल हो जाएगी। हम कोई भी यहाँ से कोई भी फोटो मैंने ली वो यदि उसके अंदर हमें फिल करनी हो तो इस पर हम क्लिक करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो वो इसके अंदर फिल हो चुकी है। आप देख सकते हो उस शेप के अंदर वो पिक्चर है फिल हो चुकी है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, यानी शेप के अंदर हम कोई पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ इसमें जाके हम बहुत सारे वेरियंट्स है ये भी हम इसमें कर सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं। या टेक्स्चर है इसमें बहुत सारे टाइल्स की हैं ये भी हम इसमें फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये फिल हो चुका है। तो हम आकृति में जो भी फिल करना चाहते हैं वो आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा शेप की इफेक्ट है, शेप की आउटलाइन है, शेप की आउटलाइन का हम कलर निर्धारित करना चाहिए तो शेप की आउटलाइन का कलर भी निर्धारित कर सकते हैं। आउटलाइन का जो कलर है वो किस कलर में, जैसे मैंने यहाँ लाइट ब्लू दिया तो आप देख सकते हो यहाँ इसका जो बॉर्डर है आउटलाइन का वो ब्लू कलर में है, तो इसको हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। और इसकी भी जो मोटाई है बॉर्डर की वो कम या ज़्यादा हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसका 6 पॉइंट में निर्धारित कर दिया तो ये बॉर्डर काफ़ी गहरा और मोटा हो चुका है। इसी प्रकार से शेप का इफेक्ट है, इसको भी जो हम पिक्चर की तरह जो भी इफेक्ट हम देना चाहें उसका रिफ्लेक्शन देना चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वर्ड्स की स्टाइल है वर्ड आर्ट की, कि टेक्स्ट जो किस प्रकार से लिखे जाएँ इसके अंदर वो सब हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ शेप के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको कलर निर्धारित करने के लिए यहाँ से जो भी कलर हम लेंगे उस कलर में टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ रेड कलर लिया तो ये देखो आप टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो चुका है। और टेक्स्ट के अंदर हमें क्या फिल करना है, अक्षरों के अंदर, तो वो भी हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन है तो टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर ले सकते हैं, कलर के अलावा उसकी मोटाई जितनी भी मैंने अभी आपको बताई वो सब यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो शेप्स के अलावा अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। तो इंसर्ट टैब के अंदर ही इसी इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की आर्ट है, यानी प्री डिफाइंड ये बने हुए स्ट्रक्चर है जिसे स्ट्रक्चर हमें बहुत बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहले से बने हुए हमारे पास है। जैसे लिस्ट के आल के रूप में देखोगे तो यहाँ आपको पूरे लिस्ट यहाँ दिखाई देगी, लेकिन हम लिस्ट प्रकार के चाहिए तो हमें लिस्ट में लिस्ट के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी हमें मान लो लिखना हो कोई
तो उनकी लिस्ट बनानी हो तो यहाँ इस प्रकार से आसानी से ले सकते हैं। जैसे मुझे इस प्रकार से तीन लिस्ट बनानी है ब्लॉक की, तो यहाँ ब्लॉक बना सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ये ब्लॉक बन चुके हैं और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आसानी से एंटर कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ आ रहा है टाइप यूअर टेक्स्ट हेयर, तो यहाँ हम जो भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो वो यहाँ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आपने देखा मैंने यहाँ इस ब्लॉक लिस्ट में ये इस प्रकार से टाइप कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो इनपुट है, तो ये हमारे कीबोर्ड माउस है, आउटपुट है, प्रिंटर मॉनिटर है और सिस्टम जो यूनिट है वो सीपीयू होती है। तो ये इस प्रकार से हम आसानी से लिस्ट के रूप में दिखा सकते हैं। तो ऐसा यदि हमें दिखाने हो तो इस प्रकार से हम स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। स्मार्ट का मतलब बहुत ही स्मार्ट है, एक तो हार्डवर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो इस प्रकार से हम स्मार्ट जो आर्ट है इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्मार्ट आर्ट है, ये तो मैंने लिस्ट के बारे में बताई। तो यहाँ स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लिस्ट बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है, हमें कोई विभिन्न प्रकार की प्रोसेस दिखानी है उसके लिए हमारे बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। साइकिल है, कोई भी हम सर्कल के रूप में कोई भी दिखाना चाहते हैं, कोई भी अपना किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है, तो हम उसको आसानी से क्लिक करके और यहाँ आसानी से उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। यहाँ उसका टेक्स्ट आ जाएगा, जो भी हम टेक्स्ट में लिखना चाहें उसमें वो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं इस सर्कल के चारों ओर टेक्स्ट में, और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके और डबल क्लिक करके भी हम यहाँ इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी हम लिखना चाहें वो आसानी से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हम स्मार्ट आर्ट के द्वारा अपने विचारों को अच्छे प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे आप देख सकते हो हायरार्की है, रिलेशनशिप दर्शाने वाले डायग्राम्स हैं और मैट्रिक्स दर्शाने वाले डायग्राम्स हैं, पिरामिड्स हैं। तो जिस भी आर्ट में यानी जिस भी साइज में जिस भी आकार में हम इसको दिखाना चाहें उसके अनुसार हम इसको बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट के अलावा डिज़ाइन टेब आ जाएगा, डिज़ाइन के द्वारा आप इसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बुलेट को और ऐड करना चाहो आप तो और पंक्तियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो यहाँ चार लेवल यहाँ दिए गए हैं इस पिरामिड में, और यहाँ ऐड शेप में जाके और ऐड शेप आफ्टर बिफोर करके आसानी से ये भी ऐड में कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो ये इसकी शेप में ये बढ़ चुकी है, ये जो लेवल है इसके ये ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि MS Excel की वर्कशीट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।